नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देख रहे हैं युवा कनेक्शन बिहार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं। हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा। इस वक्त हमारे साथ में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के काफी चर्चित छात्र नेता आयशा के प्रवीण कुशवाहा हैं, जो इस वक्त हमें पटना की सड़कों पर मिले हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये भी जो है चरणबद्ध तरीके से भागलपुर से लेकर के पटना के सड़कों तक ये नजर आ रहे हैं, किन मांगों को लेकर के ये लोग बातचीत कर रहे हैं, इस आंदोलन को लगातार चरणबद्ध तरीके से बढ़ा रहे हैं। जी प्रवीण जी बोलिए। हम लगातार भागलपुर कैंपस हो या बिहार का जो मुद्दा है, भागलपुर कैंपस में हमारे जो आज देख रहे हैं, पटना आए हैं, पटना का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय का देखिएगा क्या आज हमारे विश्वविद्यालय को स्थिति बना दी गई है। नीतीश कुमार की सरकार में 15 साल की सरकार है, आज भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थिति को देखिएगा कि 15 साल से स्थायी कुलपति नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि चुनाव लगातार हो जा रही है, बल्कि हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय को नीतीश कुमार जी स्थायी कुलपति नहीं दे पा रहे, ऐसा कुलपति को दिए हैं जो कि वो अपने निजी कामों में व्यस्त करवा देते हैं, अपना चुनाव प्रचार में व्यस्त कर। हम लोग यहाँ पटना की सड़कों पे आए हैं कि हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर नीतीश जी ध्यान दे। हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय के जो आज स्थिति बन गई है, हमारे छत देखिएगा जाके वहाँ भागलपुर विश्वविद्यालय में छत टूट रही है, गिर रही है, और वहाँ के जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर नहीं है, लाइब्रेरी में बुके नहीं है, लाइब्रेरी में जो टीचर होनी चाहिए लाइब्रेरी के लिए टीचर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सारे पद खाली पड़े हुए हैं विश्वविद्यालय में, वो स्थिति बनी हुई है। जो विश्वविद्यालय में अगर मालिक नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होगी। आज हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय का जो पहले का स्ट्रक्चर था, जो हमारे सीनियर जो बताया करते थे, पूरे 3-4 स्टेट से भागलपुर में पढ़ने आते थे, आज भागलपुर विश्वविद्यालय एक जिला में सीमित हो गया है और उसको भी सही से सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं नीतीश कुमार जी। हमारे भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो आज जो देख रहे हैं कुलपति नहीं दे रहे हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय को जो बर्बाद कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार जी भागलपुर विश्वविद्यालय को बर्बाद कीजिएगा तो हम लोग ये पटना के सड़कों पे आके आपको नाको दम करेंगे। अभी हम लोग तो लड़ाई शुरुआत किए हैं और आने वाले दिनों में ये अंगाज पूरा भागलपुर के छात्र युवा पटना के सड़कों पर दिखाई देंगे। अभी तो हम लोग कुछ लोग पटना आए हुए हैं भागलपुर से चल के, ये भागलपुर का पूरा यूनिवर्सिटी का छात्र पटना आके आपको नाको दम कर देगा। अगर भागलपुर विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हैं तो उसको सुधार दीजिए, नहीं तो हम लोग चलने नहीं देंगे। प्रवीण कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक आयशा। नाम हुआ आपका? ऋषभ कुमार नाम हुआ। हम लोग बेगूसराय से आए हैं और बेगूसराय दिनकर की धरती है। दिनकर जी एक कविता लिखे हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगाठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो हम लोग बेगूसराय से आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं और पूरे राज्य में रोजगार के मांगों को प्रबुद्ध रूप से उठाने के लिए आए ही हैं। साथ साथ हमारे यहाँ का एक मुख्य मांग है जो बेगूसराय के अंदर दिनकर यूनिवर्सिटी हो, इस मांगों को भी हम इस सड़क पर आंदोलन के माध्यम से उठाने का काम किया। पिछले दिनों तो आप लोग जब जिले में आए थे नीतीश कुमार जी, तो उस टाइम में भी आपने समाज सुधार यात्रा के दौरान उस क्रम में भी आपने इन बातों को रखा तो क्या आपसे वार्ता हुई थी? देखिए, सरकार जब चुनाव आती है तो कहती है कि यूनिवर्सिटी बन जाएगा बेगूसराय के अंदर, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद फिर यूँ ही जिस तरह से पूर्व सरकार चल रही थी उसी तरह से चलने लगती है और विधानसभा में बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार बोलते हैं कि दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का कोई योजना नहीं है। तो हम इसी आंदोलन के माध्यम से उन्हें कह देना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी देना होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं दीजिएगा, ये हमारा कास्टिंग था, फिल्म आपको दिखाएंगे आगे। और भी कुछ लोग किन मुद्दों को लेकर के आज आप सड़कों पे उतरे हैं विधानसभा को? एनडीए सरकार द्वारा जो 2020 के चुनाव में 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी, जो आज जुमला साबित होता दिख रहा है, और सभी बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो स्थायी कुलपति की नियुक्ति हो, ये हम लोगों का मांग है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के विश्वविद्यालयों में जो कॉपी 7 रुपया में छपना था वो 16 रुपया में छप रहे हैं। एक एक वाइस चांसलर को दो दो तीन तीन विश्वविद्यालय का प्रभार इसलिए दिया जाता है ताकि वो बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय की जो उनका वित्तीय संस्था है
उस पर किस तरीके से हमला किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि फागू चौहान जो हमारे बिहार के गवर्नर है, कुलाधिपति होते हैं गवर्नर, जो स्टेट के यूनिवर्सिटी होते हैं उनके, और वो उनके बच्चे जो हैं सो बनारस में कहां कहां पर ऑफिस खोल करके कॉपी छपाई का जो है सो खुद ठिका ले रहे हैं। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था में आप देख रहे होंगे कि जो सत्र दो दो तीन तीन बरस जो है सो लेट है, हमारी मांग है कि वो सत्र जो है सो रेगुलर हो। और जो 2014 में बिहार एसएससी की जो बहाली हुई थी उसको अविलंब नियुक्ति कराया जाए। इन तमाम मुद्दों के लेकर के आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ फेडरेशन संयुक्त रूप से पटना की सड़कों पर उतरा हुआ है। आज का प्रमुख मांग क्या था? हमारा मांग शिक्षा रोजगार, यही तो आज का प्रमुख मांग है। भ्रष्टाचार को जो है सो खत्म करिए विश्वविद्यालयों से, भ्रष्टाचार को जो है सो शैक्षणिक संस्थानों से जो है सो खत्म करिए, ये हमारा मांग है। भाई विद्यार्थी है तो उसको सही शिक्षा होना चाहिए, जो यूथ है जो पढ़ लिख लिया है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा कर रही है? नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा नहीं कर रही है, नीतीश कुमार लाठी यात्रा करवा रही है सब जगह से। अभी देख रहे हैं ना किस तरीके से जो है सो हमारे साथियों को जो है सो पुलिस बल जो है सो रोकने का काम किया है। और जो लोग रोजगार मांगने जाते हैं, अभी टीटी के विद्यार्थियों का कई दिनों से गर्दनी बाग में जो है सो धरना चल रहा था, प्रशासन तो मारपीट करवा रही है। नीतीश कुमार का समाज सुधार नहीं है, वो एक बड़ी लूट यात्रा चल रहा है। एक दिन के समाज सुधार पर कितना खर्च होता है पता है आप पता नहीं है तो थोड़ा कर लीजिएगा, पत्रकार हैं आप लोग, पूछ लीजिएगा जिला के प्रशासन से। आपका नाम क्या? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ और मैं समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ।